हेलो हीरोज, मैं विशाल ट्रोलिया स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लाइफ ट्रोलिया पे। तो जॉस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नई वीडियो में आप सभी का क्या है स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और ये CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड सभी बच्चों के लिए अप्लीकेबल हैं जो कि NCERT सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिविटी। लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस तक देखा था। तो देखिए रेजिस्टिविटी को अपन रो से दिखाते हैं, ठीक है। वी डिनोट रेजिस्टिविटी बाई रो। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखिए हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकाला था, R इक्वल्स रो एल बाई ए। तो यहाँ से अगर हम लोग रो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, R इंटू ए बाई एल। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ आपको नोटिस ये करनी है क्या कि भाई अगर इसकी यूनिट निकालें, अगर इसकी यूनिट निकालें तो काफ़ी सस्ती बात है। सस्ती बात है क्या, आसानी से निकाल सकते हो। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल। और ये क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ये क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ओम को हम लोग क्या सिंबल में दिखाते हैं, ओम मीटर, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हमारी यूनिट हो सकती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेम चीज़ है, डिनोट करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है, बैठाए ऐसे लेनी है कि जहाँ से भी रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आते हैं, जो मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ इसी लाइन पर बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर प्रेशर की बात छोड़ दें, ठीक है। मटेरियल देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताऊँ, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। देखो मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाना चाहता हूँ, तो बहुत लोग क्या है कि नेचर ऑफ मटेरियल में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात बोल दी। नेचर ऑफ मटेरियल का सीधा सीधे आप मतलब समझो कि वो मटेरियल किस चीज़ से बनी हुई है। एल्युमिनियम है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग है, कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी अलग है। तो आप बोलोगे कि इसमें क्या नई बात है, इसमें आप क्या बताना चाहते हो। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारी मटेरियल चेंज होगी, व्हेन मटेरियल विल गेट चेंज, मटेरियल विल चेंज, देन ओनली रो विल चेंज। जैसे रेजिस्टेंस के केस में क्या था, ये एरिया लेंथ इन सभी बातों पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन भाई इसकी बात क्या है, सीधी सीधी बात है, इसमें ज़्यादा कोई लफड़े वाली बात नहीं है। अगर देखो जैसे हमें बता देता है कि एक कोई कंडक्टर है, सपोज हमारे पास एक एक्स कंडक्टर है, बोल देता है कि इसकी लेंथ सपोज इनिशियली 1 मीटर है, लेंथ इनिशियली क्या है, 1 मीटर है। बोलता है इसे मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। बोलते हैं तो दोनों पार्ट की, या जो नया पार्ट हमारा बना है, न्यू जो पार्ट फॉर्म होगा, न्यू पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी है 0.5 ओम मीटर, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने क्या बता दिया कि जो रेजिस्टिविटी है इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब आप देखो ये जो मेटल है या ये जो मटेरियल है, यही तो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में, साउंड के लिए सॉरी। जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो चाहे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, चाहे 2000 पार्ट में हो, चाहे 2 लाख पार्ट्स में डिवाइड हो, इट डज नॉट इफेक्ट, ठीक है। तो जो नई पार्ट बनेगी उसकी भी रेजिस्टिविटी क्या होगी, 0.5 ओम मीटर। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे क्या होती है कि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस में सीन अलग है। रेजिस्टेंस में क्या है कि एरिया और लेंथ पर डिपेंड करती है, तो उसमें हाफ, 1/4, 2x होती रहती है। तो बच्चे सेम फार्मूला यहाँ भी लगाने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं। तो मुन्ना आप लोग को ये नहीं करना है, जो पहले पार्ट की रेजिस्टिविटी रहेगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे आप इसका 1 पार्ट कर दो, चाहे आप इसका 1 लाख पार्ट कर दो, हर पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो कि इनिशियल पार्ट की रहेगी, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, ठीक है।
तो आगे बढ़े, ठीक है। मैंने अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान भी है, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंसेस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। रेजिस्टेंसेस का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे रेजिस्टेंस। माइंड नहीं करना यार, मेरे को क्या है कि थोड़ी सी हंसी आ रही है ऐसे रेजिस्टेंस बोलने में और रेजिस्टेंसेस बोलने में, है ना, ठीक है। हंसने की भी कोई बात नहीं, कोई बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है, पागल हो गए क्या। देखिए अब क्या है कि मार्केट में हम लोग जाते हैं, जैसे हमें घर में रेजिस्टेंस लगवानी है, तो आपके क्या है, जो इलेक्ट्रिशियन है उसने बोला कि भैया जाके 10 ओम का एक रेजिस्टेंस ले आइए, ठीक है, ये एक रजिस्टर ले आओ। तो आप गए मार्केट में, 10 ओम का अवेलेबल नहीं है, शॉपकीपर ने आपसे पूछा कि भैया 5 ओम के दो हैं दे दूँ क्या। तब आप वहाँ पे सोचने लगे, अरे उसने तो 10 ओम का बोला था, 5 ओम का लगा सकते हैं क्या। तो बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो इसलिए ही होती है कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हमें अपनी नीड के हिसाब से रेजिस्टेंस का हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और जितनी रेजिस्टेंस हमें चाहिए उतनी हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस इज डन टू गेट डिजायर्ड रेजिस्टेंस, ओके। तो ये जो रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है, टू टाइप से किया जा सकता है, इट कैन बी डन इन टू वेज, ठीक है। पहला तरीका जो हमारा हो सकता है वो हो सकता है हमारा सीरीज, सीरीज कम्बिनेशन, ओके। और जो सेकेंड वे हो सकता है हमारा, वो हो सकता है पैरेलल कम्बिनेशन। वो क्या हो सकता है, पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आती है, कैसे आती है, इसकी डेरिवेशन एकदम आसान आसान भाषा में मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊंगा। इसके लिए आप कनेक्टेड रहिए, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो लॉन्ग बना के आपका इंटरेस्ट लूज नहीं कराना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा, है ना। तो हाई रहने का क्या मतलब है कि मैं थोड़ा सा और मोटिवेटेड रहूँगा कि चलो और बच्चों को क्या है सिखाते, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।